आरटीओ सिरमौर ने निजी बस ऑपरेटरों को पांवटा साहिब में सख्त निर्देश जारी किए हैं। आरटीओ ने स्पष्ट किया है कि नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले किसी भी बस ऑपरेटरों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। शुक्रवार को आरटीओ सिरमौर सोना चौहान ने पांवटा साहिब में निजी बस ऑपरेटरों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमे उन्होंने सभी बस ऑपरेटरों को हिदायत देते हुए स्पष्ट किया कि बसों में ओवरलोडिंग व अन्य कानूनों और नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आए दिन सड़कों पर दर्दनाक हादसे की दुर्घटनाओं के मामले पेश आ रहे हैं, जिसको लेकर अब शक्ति बरती जाएगी। उनका कहना है कि जिले के अंदर बसों में ओवरलोडिंग करने वालों पर विशेष कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि बसों में जितनी सीटें होती हैं उतनी ही सवारियां बिठाई जाएं और परिचालक और चालक के पास वर्दियां तथा बसों में स्टीरियो आदि न लगाएं तथा हर एक बसों में टिकट काटने वाली मशीन उपलब्ध होनी चाहिए। बस तथा अन्य सारे नियमों को फॉलो किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि अगर कोई भी बस ऑपरेटर किसी भी नियम या कानून का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी बस पर भी नियम लागू रहेंगे तथा नजर रखी जाएगी। इस मौके पर बस ऑपरेटर संघ के प्रधान मामला शर्मा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। देश के कठिनतम यात्राओं में से एक श्रीखंड महादेव यात्रा आधिकारिक रूप से बंद कर दी गई है। वीरवार शाम 7 बजे के बाद बेस कैंप सिंहगार्ड में पंजीकरण प्रक्रिया रोक दी गई। सरकार की ओर से 15 से 25 जुलाई तक इस बार आधिकारिक तौर से यात्रा चलाई गई थी। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार इस दौरान 5000 से अधिक श्रद्धालुओं ने इस यात्रा में हिस्सा लिया, जबकि आधिकारिक यात्रा से पहले भी करीब 7000 लोग श्रीखंड दर्शन करके आए हैं। आधिकारिक यात्रा के दौरान पुलिस सहायता, रेस्क्यू टीम, स्वास्थ्य टीम आदि सरकार की ओर से तैनात की जाती है, लेकिन आधिकारिक यात्रा के बाद भी लोग चोरी छिपे अपने रिस्क पर यात्रा करते हैं। इसमें प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं रहती है। यात्रा मार्ग जोखिम भरा है, जिसमें कि कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पंजीकरण स्थल पर तैनात राजस्व विभाग से कानून को ज्वाला राम ने बताया कि 15 से 25 जुलाई तक आधिकारिक यात्रा चलाई गई। इस दौरान करीब 5000 श्रद्धालु श्रीखंड दर्शन के लिए गए। उन्होंने बताया कि 17 जुलाई को विकट मौसम होने के कारण यात्रा को रोका गया था। उसके बाद यात्रा सामान्य रूप से चलाई गई और 25 जुलाई के बाद पंजीकरण बंद कर दिए। हमीरपुर के आशीष ने बताया कि भी दूसरी बार इस यात्रा पर जा रहे हैं। यहाँ की प्रकृति की सुंदरता मन को मोह लेती है। उनकी यात्रा आज संपन्न हो रही है और अंतिम जत्थे में वो यात्रा के लिए निकले हैं। लंगर सेवा में लगे श्रीखंड सेवा मंडल अध्यक्ष गोविंद ने बताया कि वे 25 वर्षों से आधिकारिक यात्रा के दौरान लंगर लगाते हैं। इस बार उन्होंने 9000 श्रद्धालुओं की यात्रा पर लंगर लगाने की सेवा की। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा कि मंडी में शहीद स्मारक का निर्माण कार्य 23 मई पर पूरा किया जाएगा। इसके निर्माण में जन भावनाओं का पूरा ख्याल रखते हुए इसे एक उपयुक्त स्थल पर इस प्रकार विकसित किया जाएगा, जहां लोग सेना के जवानों और देश की सुरक्षा के लिए उनके असाधारण प्रयासों के प्रति सम्मान व्यक्त कर सकें। उपायुक्त शुक्रवार को कारगिल विजय दिवस पर मंडी के सेरी मंच पर आयोजित जिल स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। इससे पहले कारगिल विजय की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर उपायुक्त पुलिस अधीक्षक पूर्व सैनिकों एवं शहीदों के परिजनों व अन्य लोगों ने सेरी मंच के समीप कारगिल पार्क में शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर उन्होंने सभी वीर सैनिकों के पराक्रम और बलिदान को स्मरण कर नमन किया। उपायुक्त ने उपस्थित सभी लोगों को देश के गौरवमय इतिहास की रक्षा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहने की प्रतिज्ञा दिलाई। आशुतोष गर्ग ने कहा कि प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन शहीदों के आश्रितों, वीर नारियों और पूर्व सैनिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान को प्रतिबद्ध है। ये तय बनाना है कि उन्हें सभी जरूरी सेवाएं आसानी से मिल सके और अपने काम के लिए दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। उन्होंने लोगों से, विशेषकर युवाओं से आग्रह किया कि अपने प्रत्येक कार्य में देशहित को सर्वोपरि रखें। हर काम करते हुए इस बात का ध्यान दें कि ये काम देशहित में हो।
गर्ग ने कहा कि कारगिल विजय दिवस भारतीयों के लिए गर्व का दिन है। 26 जुलाई 1999 को भारत के शूरवीरों ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की सेना को धूल चटाई थी। सेना ने ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर घुसपैठियों को खदेड़ दिया। देश की रक्षा की हर एक लड़ाई में हिमाचल के वीर सपूतों का बड़ा योगदान रहा है। मरणोपरांत परमवीर चक्र से अलंकृत अमर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा हो या अपनी शूरता के लिए परमवीर चक्र पाने वाले सुबेदार संजीव कुमार हो, उन पर हर देशवासी को गर्व है। हम कारगिल युद्ध में शहीद हुए मंडी जिले के रणबांकुरों और यहां के वीर सैनिकों और उनके परिजनों के सदा ऋणी रहेंगे। इस मौके पर पूर्व सैनिक लीग के जिला अध्यक्ष कर्नल प्रताप सिंह ने कारगिल विजय की शौर्य और पराक्रम की कहानी सबसे साझा की। उन्होंने कहा, करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल की लड़ाई लड़ी गई। इस जंग में देश के 527 वीर योद्धाओं ने अपनी कुर्बानी दी, वहीं 1367 सैनिक घायल हुए थे। हिमाचल के 52 रणबांकुरों ने अपनी शहादत दी, इनमें मंडी जिले के 12 शूरवीर शहीद हुए। कार्यक्रम में पूर्व सैनिक लीग के महासचिव कैप्टन हितराम शर्मा ने भी सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए कारगिल विजय दिवस समारोह के आयोजन के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर उपायुक्त ने जिले से संबंधित वीर नारियों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। उन्होंने शहीद नायब सूबेदार खेमचंद की पत्नी प्रोमिला देवी, शहीद हवलदार कृष्णचंद की पत्नी धानी देवी, शहीद नायक श्रवण कुमार की पत्नी कांता देवी, शहीद सिपाही टेक सिंह की पत्नी बीना देवी, शहीद हवलदार गुरदास सिंह की पत्नी सीता देवी, शहीद ग्रेनेडियर नरेश कुमार की माता सत्या देवी, शहीद सिपाही हीरा सिंह की माता निर्मला देवी, शहीद ग्रेनेडियर पूर्णचंद के पिता शहीद ग्रेनेडियर पूर्णचंद के पिता रामदास को सम्मानित कर प्रशासन की ओर से कृतज्ञता व्यक्त की। कार्यक्रम में पूर्व विधायक डीडी ठाकुर एवं कन्हैया लाल, नगर परिषद के उपाध्यक्ष वीरेंद्र भट्ट, कर्नल के मंडियाल, कर्नल के मल्होत्रा, कर्नल हरीश बैद सहित वीर नारियां, शहीदों के परिजन एवं बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे।